In his first visit to Kashmir Valley after the abrogation of Article 370, Prime Minister Narendra Modi Thursday unveiled multiple development projects worth more than 6,400 crore during the Viksit Bharat, Viksit Jammu and Kashmir program at Srinagar's Bakshi Stadium. Addressing a rally, the Prime Minister said he was elated to be amongst the wonderful people of Srinagar. In his speech, he said developmental projects are being dedicated today that will boost the development of Jammu and Kashmir. In his speech, he said a developed Jammu and Kashmir is priority for developed India. मैं ये मेल लेकर आया कि मोदी साहब का देखने आए उसको इस्तेमाल करना था और हम माल वैसी पालते हैं, हम कांडी इलाके के लोग हैं, हमें फायदा को मिलना चाहिए, इसलिए हम आए। हम पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ी लोगों के साथ मोदी साहब ने अच्छा कि हमें ऐसी मिली, वो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वही। मेरा नाम अब्दुल हमीद गनाई, मैं कुलग्राम से आया, मगर जो ये गवर्नमेंट ने स्कीम रखा, बहुत स्कीम उसने किसानों के लिए या बेरोजगार जवानों के लिए रखा। मेरा नाम चरणजीत सिंह है, हम उड़ी से आए, उड़ी सेक्टर से आए हैं। तो रैली में हमने काफ़ी बातों का एक तो बेनिफिट मिला कि हमारी बड़ी रिस्पेक्ट हुई, जो लोग आए थे उनको खाने पीने और रहने सहने का बंदोबस्त अच्छा किया गया था, तो रात को होटलों में बंदोबस्त किया गया था और सुबह गाड़ियों का बंदोबस्त उनका पूरा हो चुका है। और जो बातें हमने सुनी मोदी साहब की, वो हमारे काफ़ी बेनिफिट के लिए हैं, उनसे काफ़ी बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा। जो राशन के बारे में उन्हें बोला या लोगों को बोला, तरक्की के बारे में या पढ़ाई के बारे में, काफ़ी बातें अच्छी बातें बोली हैं। कश्मीर ने पहले काफ़ी मुश्किलें उठाई हैं, वो आज भी किस तरीके में उठा रहे हैं, काफ़ी ऐसी मुश्किलें जो कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। ये मोदी साहब से हम ये इजलास करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी एक असली मार्ग की तरह सलूक किया जाए और हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान है, मैं बांडीपुरा से हूँ, डीडी सी। तो हम आज के इसके प्रोग्राम में यहाँ, क्योंकि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे, हम भी प्रोग्राम में हमने शिरकत की, ये सोचकर कि यहाँ कश्मीर में दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारे नौजवानों को रोज़गार का मौके फराहम किए जाएंगे और इसी तरीके आप देखिए गुरबत बे इंतहा हो रही है। जैसे कि यहाँ तामीर और तरक्की की बात की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मैगनम पे रोडों पे मैगनम डाला जाए लेकिन किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस मैगनम को क्या करना है? क्या किया था पहले जो सरकारें थी, जब यूटी से पहले मैं बात करता हूँ, यूटी से पहले जो सरकार हमारी थी जे एंड के में, जब स्टेट थी, सेंटर से पैसे आता था, पहले जो मरकजी सरकार से पैसा आता था वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता था, यहाँ पे ग्राउंड पर यह सीधा 50% ज़्यादा था इनके जेबों में, बाकी जो ऑफिसर यहाँ पे थे कॉरप्ट इनके ऑफिसर थे उनके जेब में भी जाता था। अब मोदी जी का लक्ष्य यह है कि जिन्होंने ये गलत तरीके से पैसा खाया है, सरकार का या लोगों का पैसा खाया, इसका हिसाब लिया जाएगा। आज तक मोदी जी को किसी ने वोट नहीं दिया, हर घर हर परिवार में 2-3 स्कीमें चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लोगों को इस बात को सोचना है कि आगे हम, हमारा परिवार, हमारा मुल्क, हमारा कश्मीर कैसे तरक्की पे चलेगा। मैं फारूक वानी हूं और चूंकि मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूं और न्यूज़पेपर का एडिटर हूं, तो आज जब से ये यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई कि मोदी जी कश्मीर आ रहे हैं, और पहले वो जम्मू में गए थे, अब कश्मीर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों में बड़ा जोश था और बड़ा उत्सव था कि हम वो मोदी जी के इस रैली में हिस्सा ले, और लोगों ने बहुत तादाद में वो इवन आई शुड से इट वाज अ सी ऑफ पीपल अटेंडेड दिस रैली ऑफ पीएम मोदी, एंड दे वर थिंकिंग कि मोदी जी ऐसा एक कोई पैकेज यहाँ पे ऐसा एक ऐलान करेंगे जो उन्होंने किया।